सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरो विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उस वजह से बड़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार तो हमको लोन नहीं मिला था, फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो सर, तो यूपी में हो रहा है, थोड़ा तो कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पर जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। 50-60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, 30-40% जो बुजुर्ग लोग है उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है, आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है, और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं जहां मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ, किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेसवन इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं, अब तो मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने कितने लोग दिन भर आते हैं, सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा, और हाँ जी, स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे, वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई,
जब मुझे पता लगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था, फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहां से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की, उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने